छोटी वाली पकड़ने की कोशिश। ये आइटम के लिए मैं आया हूँ। ये लंबे बड़े डेंजर दिखने वाली समुंदर की मछली। अगर मेरे को हैदराबाद में बेस्ट सी फूड रेस्टोरेंट का नाम लेना रहता था ना, तो मैं ये जगह का लेता। किसी भी इंसान को कोई भी चीज को बेस्ट बोलने के लिए उसको तीन शर्तें लगती। मेरे लिए सिर्फ बेहतरीन खाना जो जबान पे गिरते कि दिल में बस जाए वैसा रहा तो मेरे लिए वो बेस्ट है। मैं हूं खुर्शीद और वेलकम टू चैनल भुक्का नवाब। आज अपन आए ओशंस बास्केट में, जो कि बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 पे है, मुकफम जा है एमजे कॉलेज। जो जो एमजे कॉलेज में पढ़े हुए कमेंट सेक्शन में लिख दो जल्दी, हम एमजे के एलुमिनी है। बोले जाने बोलते भाई हम एमजे कॉलेज के बोल के। एक से एक लजीज सी फूड आइटम्स है यहाँ पे, एक एक करके खाएंगे और क्या बोलती है हैदराबादी जबान वो खाने को वो देखेंगे। चलिए, अगर आपको लाइव फिश खाना है ना वो भी खा सकते हैं यहाँ पे, जो कि मरल है, एकदम लाइव है भाई। पकड़ के देखता हूँ मैं कैसा है। छोटी वाली पकड़ने की कोशिश। अरे खुद ही छूट के आ गई, देखो देखे वो अभी आप मेरे से डर के उन्हें उड़ गए, मेरी फटा दी अम्मा का डेंजर था। तो भाई ऐसा क्या है मालूम, ये रेड स्नैपर है, समुंदर की मच्छी है ये नॉर्मली नहीं मिलती है आपको। डिसाइड कर लिया आपकी भाई मेरे को ये वाली मच्छी ले लो, ये पूरी मच्छी को ऐसा यहाँ पे रख देना, रख दे के मालूम पड़ जाता 8 2 किलो 50 ग्राम, मतलब 2 किलो 50 ग्राम के हिसाब से आपको किलो का रेट लगा के सर्व करते और उसके हिसाब से चार्ज करते आपको। ऐसा नहीं कि भाई एक स्टैंडर्ड चार्ज लगा दिए 2000 रुपए और मिल रही है आपको 1 किलो की मच्छी, ना इंसाफी हो जाती हो। इसीलिए ये सिस्टम सही दिखता है मेरे को, जितना आप पे करे जितने के लिए पे करे उतना आपको खाने को मिलता। तो अपन शुरू करने वाले हैं ये बेहतरीन, ये लंबे बड़े डेंजर दिखने वाली समुंदर की मच्छी जिसका नाम रेड स्नैपर है। आके देखेंगे इसका फ्लेवर कैसा है, दिखने में तो बेहतरीन दिख रही। पहले अपन फ्लेवर से शुरू करेंगे। जो सोया सॉस ऑयस्टर सॉस जो रहता है ना, बहुत सिमिलर फ्लेवर पैलेट रहता हो, वो सॉस में बनी हुई है मच्छी, पूरा फ्लेवर उसका है। टेक्सचर वाइज इसके अंदर पूरे जो एलिमेंट्स गिरे हुए हैं, जैसा स्प्रिंग ऑनियन, एस्परेगस, वो पीज और बेल पेपर्स जिसको बोलते हैं, पूरे टेक्सचर दे रहे, दैट्स सेकेंडरी थिंग। थर्ड चीज क्या है मालूम, उसके अंदर मच्छी जो है, नॉर्मली आप समुंदर की मच्छी को क्या है, बहुत फिशी जो स्मेल रहती, जो डिसान बोलते शायद अपन अगर उर्दू में बोले तो वैसी रहती, लेकिन ऐसी नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा बहुत वो फिशी वो सूंघेंगे अपन, वैसा ऐसा नहीं है। मच्छी को एक बैटर में डाल के तल लिए तो पहले वो ऑलमोस्ट 80-95% पक जाती, बाहर से क्रिस्पी रहती और अंदर नरम नरम गोश्त रहता मच्छी का। वो डाल दिए बाद इसको क्या करे, चाइनीज के अपन आइटम्स कैसा बनाते मंचूरिया समझिए, वही सिमिलर फॉर्मेट में क्या करे, ये तली हुई मच्छी को डाल के टॉस करे, पूरे अपने ऑयस्टर सॉस डाले, वेजिटेबल्स, कैप्सिकम, बेल पेपर्स, प्याज, स्प्रिंग ऑनियन है, यही सेम चीज। ये रेड स्नैपर है ना, रेड स्नैपर एक बहुत डिमांड वाली मच्छी है। इसको आप अगर तंदूरी वर्जन में बनाए तो ना क्या करते, एक अचारी का मसाला लगाते, वो मसाला लगा के जबरदस्त तरीके से उसको तंदूर में उतार के फिर बाहर निकालते और आपको एक परफेक्टली तंदूरी फिश मिल जाती। तो अपना नेक्स्ट आइटम है ये घी रोस्ट क्रैब। मैंगलोरियन डिश है, वहां पे एकदम करीब पे क्या है, समुंदर है, तो वहां का वह उठाते जबरदस्त घी रोस्ट करते और खाते। अब अपने को आता नहीं क्रैब कैसा खाना, मैं क्या करता हूँ, वेटर को मालूम रहता है यहाँ पे, जो सर्विस में रहते हैं उन्होंने पूरा जबरदस्त तरीके से काट के दिखाते। तो भाई क्या है असल क्रैब का मसला, उसको खाना बोले तो एक अलग परेशानी रहती, सबर से करना पड़ता और स्किल लगता, क्योंकि वो क्रैब के पूरे हड्डियां तोड़ के उसके अंदर से गोश्त निकालते, वो नरम नरम मीठा स्वीट गोश्त रहता। अब हमारे भाई बहुत स्किल्ड है, उन्होंने पूरा आपको करके दिखा रहे, एक बार दिखा लिए बाद फिर कर लेना रहता। तो देखो जबरदस्त एक क्रैकर के साथ उन्होंने वो क्रैक कर रहे हैं, लेग क्रैक करके उसके अंदर जबरदस्त एक उस तो भी नली का गुद रहता नहीं, वैसा निकाल के गोश्त जमा कर रहे हो ना। अरे अरे सही है भाई। अच्छा इसके बाहर का कुछ भी खा सकते, बाहर का कुछ भी नहीं खा सकते। हाँ भाई देखो इतनी मेहनत के बाद इतना गोश्त निकला, अब ये गोश्त खा के देखेंगे कैसा रहता क्रैब का। पहली बार खा रहा हूँ मैं, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। कोकोनट का फ्लेवर आ रहा मेरे को, मीठा 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 जो रहता देखो कभी तो भी कोकोनट, एक स्वीटनेस तो है उसको गोश्त में। पहली बार खाया मैं ये टेक्सचर, फिश के वैसी है ऑलमोस्ट। घी रोस्ट का जो मसाला बने बेहतरीन, करियापक डाल के, अदरक डाल के, कौन सी के चटनियां अपने स्पेशल वगैरह डाल के, कोकोनट डाल के जो स्पेशल बनाए उन्होंने,
वो चीज को मैं सही तरीके से नहीं कर सक रहा एक्सपीरियंस, इसलिए मैं ऊपर से इसको क्या करता हूँ, पूरे वो मसाले के पैसे, हाँ 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 इसको लिए बाहर, पहले क्रैप को पूरा सही तरीके से काट के उसके अंदर का गोश्त निकाल लिए, निकाल के उसका ये ऊपर का जो मसाला है ऐसा मसाला लिए, भाई इधर मसाला दिखो यार, देखो ये मसाला है, देखो ये मसाला ऐसा लिए, फिर ये गोश्त ये जो क्रैप का पूरा मीट निकाले अपन, इसको लेके निवाला बनाए, कोकोनट और घी ये दोनों का फ्लेवर विद दैट क्रैप, शौक का जो खाना खाते ना उन लोगों की चीज है ये, आप खा के देखो, मैं तो पहली बार खाया और मेरे को पसंद आया। तो अपना नेक्स्ट आइटम जो है टेम्पुरा प्रॉन्स है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टर्स जो एक प्रॉन आपको दे सकता। टेम्पुरा प्रॉन्स का जो टेक्सचर रहता ना वो बाउंसी नहीं दिखता मेरे को और सबसे नरम दिखता, वरना दूसरे वाले क्या है थोड़ा रबरी थोड़ा, क्योंकि हद से ज्यादा फ्रोजन हो जाते हो। इसको क्या करेंगे अपन, ये स्पेशल डिप आता है, ये लिए डिप डाले, अगर उसका टेस्ट इसका फ्लेवर आपको एक्सप्लेन करना है बोले तो स्वीट एंड सॉर एक साथ, इसका इतना नरम इसका इतना क्रिस्पी, नरम और क्रिस्पी कैसा बोल दे रहा हूँ, लेट्स चेंज इट, इट्स क्रिस्पी बट इट्स ऑल्सो लाइक रेशम, आसानी से तुड़ गए वैसा रहता। अच्छा इसका आप लोगों को अगर देख रहे शेप, नॉर्मली अपने प्रॉन्स कैसे रहते ऐसे रहते टुन्नू टुन्नू, ये लंबे है, लोग क्या करते कहते ऐसा बीच में से काट देते जो स्ट्रिंग या जो भी उसको जकड़ के रखता सी शेप में बना देता देखिए, लेकिन ये लंबे है, जितने लंबे है ये उतने ही बेहतरीन है, खा लेता हूँ मैं। और अपन ऐसी क्या करें, एक लैम शैंक जो कि करेली का पीस रहता मटन का वो मंगा ली। लैम शैंक क्या है, नरम नरम गरम गरम लजीज, मुंह में डाले तो घुल गए वैसा पीस रहता, उसके ऊपर फ्लेवर नहीं जमा सकते, तो ये सॉस क्या करता वो फ्लेवर जमाता। अपन क्या करेंगे पीस को ऐसा लिए लेके ये पूरा सॉस के साथ मिक्स करे और मुंह में डाल लिया बिस्मिल्लाह, तो वो जो ब्राउन सॉस है ऊपर जो डाल रहे हो ना उसके अंदर मटन स्टॉक रहता, वो मटन स्टॉक के साथ साथ एक अलग सॉस है, वो सॉस और मटन स्टॉक का मिक्स करके उसको एक थिक कंसिस्टेंसी में बनाने के बाद ये करेली के पीस के ऊपर डालते। इसमें मेरे को एक थोड़ा टैंगी और खटास, आई थिंक वो सॉस का कमाल है, मटन स्टॉक का तो जो जनरल फ्लेवर रहता वो तो है, साथ ही साथ वो सॉस का कमाल है। ऑल इन ऑल एक अच्छा कॉन्टिनेंटल आइटम है, अगर आपको लैम शैंक ट्राई करना है तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते। लीफ रोस्ट फिश, देख के भी बहुत इंटरेस्टिंग आइटम दिख रहा है क्योंकि कलर में लाल लाल है तो इसका मतलब मिर्च मसाला लगे हुआ है। उन्होंने एक लीफ के अंदर डाल के इसको तंदूर में डाले और वो तंदूर में डालने के बाद पूरा जो धुआं रहता नहीं वो उसके अंदर पकाया गया तो कैसा रहता, टेस्ट पूरा कोयले का स्मोकी फ्लेवर आता, अपन निवाला लेके देखेंगे अब। चलो भाई बिस्मिल्लाह, परफेक्ट है टेक्सचर फिश का, इतना मुलायम है कि उसको आप जबान पे पकड़ नहीं सकते, उतना जबरदस्त तरीके से घुल गया, हाईली फ्लेवरफुल है। लाइक अगर अपन तंदूरी कुछ भी खाए, तंदूरी चिकन तंदूरी फिश, तो उसको एक और एक ऊपर लेवल पे ले लेके चले गए ना, वैसा है इसका फ्लेवर, मिर्ची है साथ ही साथ जो कोयले का मैं जो बोला आपको स्मोकी फ्लेवर, क्योंकि देखो अगर इनो पूरी मच्छी को क्या करे पत्ते में बंदी है, पहले लीफ में बंदी है, तंदूर में डाले तो पूरा जो धुआं आता 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 था जाके मछली में बह जाता, वैसा है सीन, इससे शुरू कर सकते आप भी, मेरे को तो बहुत पसंद आया। बिस्मिल्लाह, वो निवाले पे बटर और गार्लिक और चिली, ये तीन चीजों का फ्लेवर मेरी जबान पे उतर गया, फर्स्ट निवाले पे ही बोल रहा हूँ आपको अभी, इनफैक्ट अभी भी वो मॉइस्ट फ्लेवर है, वो जो रेड बेल पेपर येलो कैप्सिकम बेल पेपर और फिर हाई क्वालिटी जो इंग्रेडिएंट्स पूरे लग के बनता है उसमें जिंदगी के सारे मजे रहते। नॉर्मली आपको क्या है मालूम, चाइनीज आइटम्स में लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज करके बनाते, वो भी इतना अच्छा बनता तो सोचो आप हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स के साथ कैसा बनता, बहुत मजे का था। नॉर्मली अपन अब तक चिकन फ्राइड राइस नूडल्स खाते हुए, लेकिन ये जो सी फूड का आइटम है ना वो भी बहुत प्यारा दिखता आपको, इनफैक्ट आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद आएगा, आप भी अगर आए तो कैसा भी ये चीज ट्राई करिए, जो कि बटर चिली गार्लिक नूडल्स। तो अपन लोग यहाँ पे क्या करना है, सी फूड कवर करना है, लेकिन ये वाली जो रेस्टोरेंट है सी फूड तो देती देती, साथ में आपको चिकन भी मिल जाएगा मटन भी मिलेगा, इंडियन कॉन्टिनेंटल चाइनीज मिल जाता आपको जो है ना तंदूर में वगैरह वगैरह, ये वाला टाइपी चिकन है।
टेक्सचर तो अच्छा दिख रहा है, डबल टाइम इसको फ्राई करे हुए, खा के देखेंगे अपन कैसा है। बिस्मिल्लाह भाई। फ्लेवर वाइज मैं बोलूँ आपको, स्वीट एंड स्पाइसी एक ही साथ, लाल लाल है तो स्पाइसी रहता, साथ में कुछ आई थिंक मिठास भी है फ्रॉम हनी, आई डोंट नो एक्जैक्टली श्योर, बट डबल टाइम फ्राई करे इसको, डबल टाइम फ्राई करे तो सोचो कितना क्रिस्पी होगा ये। क्रिस्पी तो है ही है, अदरक लहसुन जो आप टिपिकल चाइनीज का आइटम कैसा बनाते वैसा स्टार्टर है ये। ये जो प्लेटिंग रहती है सामने की, प्लेटिंग की डिजाइनिंग देखो पूरा जबरदस्त, सुनो सॉसेस डिजाइन विजाइन करके, वो डिजाइन खराब करेंगे अपन करके। ये लिए वो जो सॉसेस थे ना, वो सॉसेस के साथ जब लगा के खाया ना भाई, पप्पी लिशियस बन गया वो पूरा निवाला। मिक्स शेजवान फ्राइड राइस। शेजवान बोले तो स्पाइसी चटपटा, ये खा के देखेंगे अपन भाई। निवाले में आपको समझ में आ रहा, एक सटल वो फिशी वो सी फूड की जो फ्लेवर रहती है वो चावल में, चावल बासमती राइस है। ऑथेंटिक तरीका कैसा रहता मानो फ्राइड राइस का बनाने का, एक दिन पुराना जो कि फ्रोजन रहता ना वो राइस यूज करे तो वो एक क्रिस्पीनेस भी रहती वो फ्राइड राइस में, जिस जो इसमें है बासमती की है तो एकदम टॉप क्वालिटी है। तो ये चिकन फ्राइड राइस नहीं है, ये सी फूड फ्राइड राइस है, और सी फूड में प्रॉन्स रहते फिश रहते। अब हर एक को क्या है, प्रॉन्स नहीं पसंद, हर एक को क्या है फिश नहीं पसंद, लेकिन थोड़े लोगों को दोनों पसंद और दोनों एक ही टाइम पे होना बोलते मेरे वैसे लोग, इसीलिए ये मिक्स शेजवान फ्राइड राइस बनवा लिया अपन, जिसमें फिश भी है और प्रॉन्स भी है एक साथ। निवाले में जब ये दोनों जाके आपके फटेंगे तो क्या मिलता आपको, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जैसा मेरे को मिल रहा। तो भाई डेजर्ट्स में आ गए अपन। अब डेजर्ट्स में यहाँ पे एक न्यूली इंट्रोड्यूस एप्रिकॉट डिलाइट है, आप लोगों को तो मालूम ही है मेरे को कितना एप्रिकॉट डिलाइट पसंद है। एक ऑलमोस्ट यूनिवर्स बना रहे अपन लोग एप्रिकॉट डिलाइट का, एक लिटरली वीडियो बना दे सकते कि भाई टॉप 10 एप्रिकॉट डिलाइट्स ऑफ हैदराबाद, यहाँ का कैसा है अपन टेस्ट करके देखेंगे। यहाँ पे कुछ एक नया यूनिक दिखा मेरे को, जो कि ऊपर से जो अनार के दाने रहते नहीं वो डाले उन्होंने, क्रीम है, कस्टर्ड है, टिपिकल एप्रिकॉट है नीचे, एप्रिकॉट का जैम और केक है। अब खा के देखेंगे कैसा है। पहली बार मैं ये ऐसा पूरा एक बाइट लिया, क्रीम ऐसा थोड़ा लिए अपन, क्रीम लेने के बाद ये ऊपर जो अनार है वो अनार के साथ लेके बनाएंगे। चलिए बिस्मिल्लाह। वेरी नाइस, बहुत अच्छा दिखा मेरे को ये, थोड़ा क्रीम ज्यादा होना बोलूंगा मैं क्योंकि अगेन अपन क्रीम वाले लोग हैं, लेकिन ओवरऑल जो है टू गुड डेजर्ट है ये। ये हो गया लास्ट एंड फाइनल, ये आइटम के लिए मैं आया हूँ, मेरे को इतनी पसंद है ये आइटम, ये जो डेजर्ट है वो खिला के मैं आपको फाइनल एंड करूंगा वीडियो। चलिए, ऐसा टेस्ट और टेक्सचर मैं आज तक जिंदगी में नहीं खाया। पहली बार यहाँ पे जब मैं खाया और बोला कि भाई इतनी फूड ब्लॉगिंग करे, इतने जगह खाया और फिर ऐसा टेस्ट कैसा मैंने खाया, खाने के बाद मैं बोला ये चीज आपको दिखाना है, पूरे हैदराबाद को या आए कहीं को अपन बेस्ट सी फूड रेस्टोरेंट दिखाने, राइट, उसको रखो साइड में, लेकिन सिर्फ ये कोकोनट डंपलिंग जो है इसके टेक्सचर, उसके फ्लेवर और उसके पूरे जो 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 ब्लेंड ऑफ एलिमेंट्स है, इतनी खूबसूरत तरीके से शेफ बनाए आप देख रहे, वैसे एलिमेंट्स खाने आप आना, इसको बोलते देखो आर्ट, जो एक अपनी जबान पे भी जाता, अपने आंखों को भी एकदम मोहब्बत से आप देख सकते हैं इसको, और फिर खुशबू तो है ही है। रही बात आइटम की, इसको कैसा खाना बोले तो ये मोची, जापानीज एक स्वीट है उसको मोची बोलते, च्यूई रहता हो के ऊपर ये एक एप्रिकॉट है, एप्रिकॉट को एक जैम के अतराफ बनाए हुए है, तो वो चीज उसके ऊपर डाले एप्रिकॉट को, देन साथ में ये साइड में अनार जिसको बोलते आप पोमोग्रेनेट के जो ग्रेन्स रहते वो चीज कैसा टेक्सचर देता एकदम क्रंच वो है, उसको लेके आप ये निवाले में डाले तो ये तीन लेयर्स बन गए, एक एप्रिकॉट की खटास साथ में उसके स्ट्रॉबेरी या कौन सा की जैम है, दैट प्लस मोची च्यूई रहता, वो मोची के अंदर एक गरम गरम कुछ लिक्विड रहता, अब वो लिक्विड बोले तो कैसा एक्सप्लेन कर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई, इतना फ्लॉलेस और इतना एक पहली मतलब देख के समझ में आ रहा अपने पास अल्फाज नहीं है वैसा है, तो वो गरम गरम लिक्विड रहता फिर एक च्यूई मोची रहती, पूरों को लेके अपने ऐसा मुंह में डाले, आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑन वर्ड्स वैसा है। एनी हाउ भाई देखो ये खाना पीना अपना चलते रहता, आज मैं आपको यहाँ पे आया खाया बताया, आप भी यहाँ पे आइए खाइए बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये पसंद आया नहीं आया, क्योंकि हर चीज जो दिखाया अपन एकदम लाजवाब है, लेकिन ये जो आइटम है कोकोनट डंपलिंग, इसको मैं हैदराबाद के अगर मेरे को लिस्ट बनाने के लिए बोले कि भाई आप पूरी दुनिया से हैदराबाद में और क्या क्या खाना,
इसको डालूंगा मैं, ऐसा टेक्सचर ऐसा टेस्ट है, मेरे पर्सनल प्रेफरेंस पे, अगर आपको भी पसंद आया तो एनी आओ। ऐसी कामा करते रहते, ऐसी खाने चलते रहते, ऐसी चीखमा चटी फाड़ते, और बोले बार बार वाली सी फूड रेस्टोरेंट पूरे हैदराबाद में अगर कहीं है तो ये ओशन बास्केट है, इधर आना इधर खाना। कहाँ पे है ये बोले तो बंजारा हिल्स रोड नंबर 2, MJ कॉलेज है, उससे थोड़ी आगे है, तो आपको ये जगह मिल जाती है, आप आके खा के आराम से मजे ले सकते हैं। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आप लोग ये सब करें तो मैं और नए नए जगहों जाके एक्सप्लोर करके वीडियोस बनाता हूँ। सही है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खाइए पिए ऐश करिए मेरे भाइयों, टाटा बाय बाय।